हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम कल के लिए कुछ इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप कोई भी डिटेल को मिस नहीं करना चाहते तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रह सकते हैं। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। फॉर मल्टीबैगर स्टॉक्स रिकमेंडेशन, स्विंग मोमेंटम ट्रेड्स, स्टॉक पोर्टफोलियो क्रिएशन, कॉन्टैक्ट अस एट stockprotips@gmail.com। स्टॉक मार्केट अपडेट्स और इंट्राडे और स्विंग ट्रेड रिलेटेड स्ट्रैटेजी वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए स्टॉक प्रो टिप्स चैनल को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। इस वीडियो में यूज किए गए ट्रेड सेटअप को सिर्फ इंट्राडे स्टॉक्स को पिक करने के लिए यूज किया गया है। अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तब आपको नीचे दिए गए वीडियोस को जरूर रेफर कर लेना चाहिए। लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। करंटली हम मेजर ग्लोबल इंडेक्सेस को अपसाइड में ट्रेड करता हुआ देख सकते हैं। इसके अलावा हम निफ्टी 50 के फ्यूचर लेवल्स को भी इसके करंट क्लोजिंग लेवल से अपसाइड में ट्रेड करता हुआ देख पा रहे हैं। फॉरेक्स मार्केट में भी हमें इंडियन रूपी में एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिल जाता है। इस वजह से कल हमें मार्केट में एक अपसाइड फॉर्म होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो हम इस वीडियो में ऐसे चार स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनमें कल आपको एक अपसाइड और एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर्म होता हुआ दिखाई दे सकता है। हमारे लिस्ट में जो पहला स्टॉक है वो है TCS। आज हमें स्टॉक में लगभग 2.17% का अपसाइड देखने को मिला। इसने 2235.85 पे हाई बनाने के बाद 2231.5 पे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। हम इसमें आज लगभग 39.15% का डिलीवरी परसेंटेज को देख पा रहे हैं। इसके साथ साथ हम इसके वीवाप लेवल्स को भी इसके क्लोजिंग से काफी नीचे देख सकते हैं। इस वजह से कल इसमें ये अपसाइड जारी रह सकता है। इसके टेक्निकल सेटअप में हम इसके 30 मिनट के कैंडल्स में अभी भी इसके EMA लेवल्स और VWAP लेवल्स पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड को देख पा रहे हैं। इसके साथ साथ हम इसके वॉर्टेक्स इंडिकेटर और MACD इंडिकेटर में भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश क्रॉसओवर को देख सकते हैं, जिस वजह से कल इसमें आपको फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो आप इस स्टॉक को कल बाय साइड के लिए अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। आज हमें मुथूट फाइनेंस में लगभग 4.71% का एक सिग्निफिकेंट अपसाइड देखने को मिला। हम इसके VWAP लेवल्स को भी इसके क्लोजिंग से 5 पॉइंट्स नीचे की ओर देख सकते हैं। इसके साथ साथ हम इसके ऑर्डर बुक में भी बायर साइड में 1242 स्टॉक्स को देख पा रहे हैं। हम इसमें आज 25% के आसपास एक डिलीवरी परसेंटेज को देख सकते हैं। इस वजह से आपको कल इस स्टॉक में भी एक अपसाइड देखने को मिल सकती है। इसके टेक्निकल सेटअप में हम अभी भी इसके 15 मिनट के कैंडल्स में इसके EMA लेवल्स और VWAP लेवल्स पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड को देख सकते हैं। ये अपने वॉर्टेक्स इंडिकेटर में भी एक स्ट्रॉन्ग बाय कॉल को जनरेट कर रहा है। इस वजह से ये कल फर्दर अपसाइड में आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आप इसे भी बाय साइड के लिए कल अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। आज हमें एक्सिस बैंक में लगभग 1.37% का एक अपसाइड देखने को मिला। इसने 1816.75 पे हाई बनाने के बाद 1814.15 पे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। करेंटली हम इसके ऑर्डर बुक में बाय साइड में लगभग 2400 से भी ज्यादा स्टॉक्स को देख पा रहे हैं और हम इसके डिलीवरी परसेंटेज को भी 45% से ज्यादा देख सकते हैं, जिस वजह से कल इसमें आपको फिर से एक अपसाइड फॉर्म होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके टेक्निकल सेटअप में हम अभी भी इसके 15 मिनट के कैंडल्स पे इसके EMA लेवल्स और VWAP लेवल्स पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड को देख पा रहे हैं। ये अपने वॉर्टेक्स इंडिकेटर और MACD इंडिकेटर में भी एक बुलिश साइड को बुलिश कॉल को जनरेट कर रहा है, जिस वजह से कल इस स्टॉक में आपको फिर से एक तेजी देखने को मिल सकती है। तो आप इसे बाय साइड के लेकर अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। फाइनली आज हमें टेक महिंद्रा में लगभग 2.5% का एक अपसाइड देखने को मिला है। इसने भी 769.35 पे अपना हाई बनाने के बाद 768.2 पे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। करंटली हम इसके व्यू अप लेवल्स को इसके क्लोजिंग से नीचे देख सकते हैं और हम इसके ऑर्डर बुक में भी बायर साइड में 506 स्टॉक को देख सकते हैं। इसके अलावा हम इसके डिलीवरी परसेंटेज को 54% से ज्यादा देख पा रहे हैं, जिस वजह से कल इसमें फर्दर अपसाइड फॉर्म हो सकता है और ये ऊपर के लेवल पे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। हम इसके टेक्निकल सेटअप में इसके 30 मिनट के कैंडल्स में इसके EMA लेवल्स और VWAP लेवल्स पे अभी भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश साइड को देख पा रहे हैं और ये अपने वॉर्टेक्स इंडिकेटर में भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश क्रॉसओवर को फॉर्म कर रहा है, जिस वजह से कल इसमें ये अपसाइड जारी रह सकता है। तो आप इसमें भी कल बाय साइड के लिए अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। टुडे निफ्टी 65 पॉइंट्स ऊपर ओपन होने के बाद हमें दिन भर इसमें एक साइडवे ट्रेंड देखने को मिला और फाइनली इसने 52 पॉइंट्स के अपसाइड के साथ
11,922.7 पे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। करेंटली हम मेजर ग्लोबल इंडाइसेस डाउ 30, S&P 500 और नैस्टैक को अपसाइड में ट्रेड करता हुआ देख सकते हैं। इसके साथ साथ हम निफ्टी 50 के फ्यूचर लेवल्स को भी इसके करंट क्लोजिंग लेवल से लगभग 19 पॉइंट्स के आसपास अपसाइड में ट्रेड करता हुआ देख सकते हैं। फॉरेक्स मार्केट में हमें इंडियन रूपी में एक बेयरिश ट्रेंड देखने को मिल जाता है, इस वजह से कल हमें मार्केट में फिर से एक साइडवे ट्रेंड देखने को मिल सकता है। निफ्टी 50 के टेक्निकल चार्ट में आज हमें फिर से एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये अभी भी अपने 9 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर अपना क्लोजिंग दे रहा है। इस वजह से इसमें ये अपसाइड कल भी जारी रह सकता है और आपको इसमें एक रैली फिर से कल देखने को मिल सकता है। हम इसके RSI लेवल को करंटली 57.59 के लेवल पे देख सकते हैं और ये करंटली एक अप ट्रेंड में मूव कर रहा है, इस वजह से कल मार्केट में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। इसके ऑप्शन चेन डेटा में करंटली हम इसके पुट साइड में 11,900 के लेवल्स पे 5.92 लाख पुट कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड होता हुआ देख सकते हैं। इस लेवल पे हमें 13,71,300 क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। इस वजह से हम कल के लिए 11,900 के लेवल्स को एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल के तौर पे देख सकते हैं। कॉल साइड में हम अभी भी 12,000 के लेवल्स पे 2.49,300 कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड होता हुआ देख पा रहे हैं। इस लेवल पे हमें 22,17,525 क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। इस वजह से हम कल के लिए 12,000 के लेवल्स को एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल के तौर पर देख सकते हैं। बैंक निफ्टी के टेक्निकल चार्ट में हमें निफ्टी के तरह ही एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आज इसने अपने 9 डेज के EMA लाइन को ब्रीच करते हुए नीचे के साइड में 31,034 के लेवल पे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। इस वजह से कल हमें इसमें एक गिरावट फिर से देखने को मिल सकती है। अगर निफ्टी में आपको एक अपसाइड देखने को मिले तो ये इसमें भी कंपनसेट हो सकता है और ये भी मार्जिनल गिरावट के साथ हमें क्लोज होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके ऑप्शन चेन डेटा में हम करंटली इसके पुट साइड में 30,500 के लेवल्स पे 5.36,460 क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को देख पा रहे हैं। करंटली ये 31,000 के लेवल्स के ऊपर आ चुका है, लेकिन हमें काफी नीचे के लेवल्स पे इसमें पुट कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हम करंट वीक के लिए 30,500 के लेवल्स को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के तौर पे देख सकते हैं। करंटली हमें 30,800 के लेवल्स पे 1.02 लाख पुट कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हम कल के लिए 30,800 के लेवल्स को एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल के तौर पे देख सकते हैं। कॉल साइड में करंटली हम 30,500 के लेवल्स पे 4.69 लाख कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड होता हुआ देख पा रहे हैं, लेकिन इसके नीचे के लेवल्स पे हमें 31,300 के लेवल्स पे 4.35 लाख से भी ज्यादा क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिल जाता है। इस वजह से कल के लिए हम 31,300 के लेवल्स को एक इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल के तौर पर देख सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रीच करने में कामयाब होता है तो हमें ये 31,500 के लेवल्स की ओर इस वीक में मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है।